जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार पर जो आरोप लगाए हैं उसके केंद्र में है यंग इंडियन कंपनी। आखिर यंग इंडियन कंपनी है क्या और गांधी परिवार इससे कैसे जुड़ा हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। स्वामी के मुताबिक इस कंपनी के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज नाम का अखबार निकालता था। स्वामी के मुताबिक जिस यंग इंडियन कंपनी ने एसोसिएटेड जनरल्स का अधिग्रहण किया है उसमें सोनिया और राहुल के 38-38 फीसदी शेयर हैं। इस मामले पर राहुल पर निशाना साधते हुए स्वामी ने दावा किया कि राहुल ने 2008 में कंपनी के 3 लाख शेयर बेच दिए थे, लेकिन 2009 के शपथ पत्र में इसकी जानकारी नहीं दी गई।